Good morning, students. Open your page number 114. The plant kingdom is very diverse. As we move from one region to the next, we can observe the changes in the weather, landscape, as well as in the variety of plants and animals that are found. When we move from the plain to the hilly areas, आप लोगों को वेदर में डिफरेंस पता चलेगा यू कैन आल्सो ऑब्जर्व द लैंडस्केप, डिफरेंट लैंडस्केप्स एज वेल एज द वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स राइट सो सम प्लांट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड बाई अदर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर नाउ फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्लांट्स ऑन माउंटेंस पहाड़ों पे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन हिली एरियाज और ऑन माउंटेंस सबसे पहले वो क्या होते हैं बच्चों टॉल एंड स्ट्रेट देर ब्रांचेज आर स्लैंटेड स्लैंटेड में थोड़ी छुकी हुई वाई बिकॉज दैट अलो स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ बहुत पड़ती है तो अगर वो स्लैंटेड ना होती तो बर्फ़ से क्या होते है? बेटे प्लांट्स ख़राब हो जाते तो वो क्या करती है स्नो को नीचे की तरफ क्या करती है स्लाइड दीज ट्रीज यूजली हैव नो फ्लॉर्स इनके कोई फूल नहीं होते जो सीड्स आर एनक्लोज इन कॉन्स और उनके सीड्स किसके अंदर बंद होते हैं कोन्स के अंदर लीव्स उनके बेटे ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती और उनकी शेप होती है जस्ट लाइक नीडल और सबसे बढ़िया बात जो होती है बेटे उन लीव्स के ऊपर वैक्स लाइक कोटिंग होती है जैसे वैक्स की कोटिंग की हो विच प्रोटेक्ट दैम फ्राम एक्सट्रीम कोल्ड जो उनको बहुत ठंड से बचाती है लाइक फन मोस And the third one that is called lichen. These are the examples of these plants which are found in the hilly areas. They grow in soil, they grow on rocks, and sometimes on other trees. I hope you understand this page.